बहुत यह जो है नौजवान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे भविष्य उनका अंधकार में बनेगा और क्रिमिनल बनने की आशंका। कहना चाहेंगे कि आपके बाप दादा ठेकेदार होंगे सैनिक में, आपके बाप दादा दलाल होंगे सैनिक। चार साल के बाद क्या हम रिक्शा ठेला चलाएंगे क्या? चार साल के बाद हम चाय का दुकान लगाएंगे क्या? एक सैनिक जो चार साल मातृभूमि की रक्षा करता है वो अंबानी अंडानी का बॉडीगार्ड बनेगा क्या? जब हम 3.5 साल जॉब करेंगे उसके बाद वापस से जो मेरा आम चलाने का आदत होगा उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, फुचका बेचाएंगे क्या? हम तो आपको गोली मारेंगे, हम तो मोदी जी को गोली मारेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। कारगिल चौक पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो सेना के अभ्यर्थियों के लिए खड़े हो गए हैं। हम लोग जिस तरह सेना में बहाली को रोक कर और अस्थायी रूप से सेना में बहाली की व्यवस्था की जा रही है उसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी आज से चरणबद्ध तरीके से सड़कों पर उतरी। क्या आप मानते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है? माची साहब, क्या आप मानते हैं कि बहुत गलत हो रहा है? बहुत, यह जो है नौजवान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे भविष्य उनका अंधकार में बनेगा और क्रिमिनल बनने की आशंका है। इतना ज्यादा संघर्षों के बाद सेना के अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है या नहीं? बिल्कुल गलत हो रहा है। चार साल बाद आप क्या करना चाहते हैं? सेना के अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है कि नहीं? देखिए, इतना जान लीजिए कि ये पूरी तरह से देश के जो सबसे संवेदनशील रक्षा का मामला है, सुरक्षा का मामला है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं कोताही बरतने का काम किया है। जो सैनिक आजीवन अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं देश के नाम, उसको चार साल का टेंडर और ठेकेदारी देकर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के भविष्य को और देश के प्रति जो हमारे दिल में सम्मान है कि बिना पैसे के अगर हमें 6 महीने नहीं मिलेगा तो हम मातृभूमि पे मर मिटने को तैयार हैं। और भाजपा प्रवक्ता कहता है कि 20 लाख रुपए की एक मुश्त राशि 4 साल के बाद मिलेगी। हम कहना चाहेंगे कि आपके बाप दादा ठेकेदार होंगे सैनिक में, आपके बाप दादा दलाल होंगे सैनिक। पूरे बिहार में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, उग्र प्रदर्शन करने का नौबत आ चुका है। आप एक तरफ कहिएगा कि 4 साल हम आपको नौकरी देंगे, 4 साल के बाद क्या हम रिक्शा ठेला चलाएंगे क्या? 4 साल के बाद हम चाय का दुकान लगाएंगे क्या? एक सैनिक जो 4 साल मातृभूमि की रक्षा करता है वो अंबानी अंडानी का बॉडीगार्ड बनेगा क्या? गेट पर सैल्यूट मारेगा क्या? गलत हो रहा है। देखिए, पूरी तरह से देश के युवाओं को नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार के नाम पे और फिर 10 लाख रोजगार के नाम पे ठगने का काम किया। अब थमने वाले नहीं है, जब तक अब ये वापस नहीं होगा इसी तरह से उग्र आंदोलन चलेगा। लाठी बहे चले, खून बहे, जो हो हम लड़ने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी की सरकार से। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं और बैठ चुके हैं। जी हाँ, तो क्या होगा? आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये सरकार नहीं झुकती है। आंदोलन जारी रहेगा, हम सरकार के ईंट से ईंट बजा देंगे। 4 साल की नौकरी हम छत बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान मजदूर के छात्र 4 साल 3 साल से आर्मी की बहाली का इंतजार कर रहे हैं और सरकार कहती है 4 साल का नौकरी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी सरकारी पदों पे आज रिक्त पद हैं उस पर स्थायी नियुक्ति निकाला जाए, नहीं तो ये आंदोलन हम जारी रखेंगे और पूरे राज्यभर में प्रतिरोध होगा और इसके खिलाफ जो भी घटना घटेगी इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी। तो आखिरकार आप लोग उतर ही गए सेना के अभ्यर्थियों के साथ? क्यों नहीं उतरेंगे? अब ऐसे समय आ चुके हैं कि जो आदमी 2 करोड़ रोजगार देने की बात करे और 10 लाख पर सिमटा दे, वो भी साल में नहीं 18 महीने में। तो और दूसरी बात कि आप युवाओं के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा को 4 साल आप फौज में भर्ती करके क्या जताना चाहते हैं? जहाँ ट्रेनिंग चलती है 6 महीने। उग्र हो रहे हैं पूरे बिहार में, पूरे बिहार के पूरे देश में उग्र है। हम लोग छात्रों के समर्थन में और ये आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री जी के हमने पुतला दहन करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि यदि इस फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो जन अधिकार पार्टी का ये उग्र रहेगा और बड़े स्तर पर आंदोलन रहेगा, रुकेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात, आप युवा को 4 साल जॉब देने के बाद आप बेरोजगार कर दीजिएगा, भूतपूर्व बना दीजिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैंने 21 साल की उम्र में ही वो भूतपूर्व हो जाए, 22 साल की उम्र में बेरोजगार हो जाए? तो आप जब पहले सेना की, देखिए सेना में पकना 4 साल में नहीं होता है। हमारे पिताजी भी आर्मी में थे, वो साल भर ट्रेनिंग में जाते थे, उनकी उम्र कई, मैंने वो 15 साल जॉब करने के बाद भी उसमें ट्रेनिंग होती है, लगातार ट्रेनिंग चलते रहती है, हर 6-6 महीना पर ट्रेनिंग होती है। आप 4 साल में उस
कैसे क्या हिसाब से। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, साफ जानेंगे। तो बताइए कि क्या होगा आगे, कल पूरा बिहार बंद होगा, पूरा बिहार बंद होगा, कल पूरा बिहार बंद करेंगे। आंदोलन अब पटना में भी हो रहा है, पूरा बिहार में होगा और पटना में। आज पटना से आगाज है भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। आप बताइए क्या होगा सेना अभ्यर्थियों का, सेना अभ्यर्थियों का। देखिए, एक जब लोग गरीब घर के बच्चे जब 12th 10th करके जब उनका एक सपना होता है कि वो आर्मी में जाएं, सेना में जाएं, और उन्हें उन्हें एक देश के प्रति प्रेम भी होता है, वो चाहते हैं कि समाज देश का सेवा करके लोगों का मदद करें, ताकि घर में रह रहे गाँव से आते हैं सपना लेकर, सपना लेके आते हैं कि ताकि वो सेफ रहें और हम उनको घर वाले खिला सकें। पर सरकार युवाओं के साथ हमेशा खिलवाड़ कर रही है। 4 साल की नौकरी कहाँ का ये तय है, 4 साल बाद जब युवाओं का एक एज होता है 25 से 60 50 बेरोजगार हो जाएंगे, तो बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल बाद, तो फिर ये सरकार क्या करेगी 4 साल बाद, युवाओं क्या करेंगे घर में। हमारा युवा जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होगा जी, हम लोग बहुत अति, हम लोग आज अभी यहाँ पे रक्षा मंत्री का हम लोग पुतला दहन किया। हम लोग का मांग स्पष्ट है कि ये जो जुमला कर रही है सरकार युवाओं के साथ, उन्हें वापस ले, हमारा हिला के रख देंगे सरकार जी, नहीं तो हम लोग हिला के रख देंगे, हम लोग पूरा पटना दिल्ली तक जाने के लिए तैयार। देखिए लोग जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए कि कब तक सहेंगे छात्र। अब हम लोग सहने नहीं, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि पूरे बिहार और पूरे भारत में उग्र आंदोलन होते जा रही है लगातार। भागलपुर ले लो, समस्तीपुर ले लीजिए, ट्रेन रोका जा रहा है, ट्रेन बसें लगाई जा रही है। लेकिन मैं उग्र आंदोलन करने की मांग नहीं करता, पर मोदी जी ऐसा चाह रहे हैं कि छात्र उग्र हो और हमारे सरकारी संपत्ति को जलाएं, क्योंकि उन्हें हमारे जान से मतलब नहीं है, उनको बेचना है, उनको बेचना है, बस उनको बेचने वाले। 4 साल नौकरी, देश का सेवा, बस 4 साल। बताइए ना, 6 महीना में ट्रेनिंग लेके जब हम 3.5 साल जॉब करेंगे, उसके बाद वापस से जो मेरा आम चलाने का आदत होगा, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, फुचका बेचाएंगे क्या? हम तो आपको गोली मारेंगे, हम तो मोदी जी को गोली मारेंगे। गुस्सा आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, हम मोदी जी को गोली मारने का काम करेंगे। कितना गुस्सा आ रहा है? गुस्सा सीधी बात है, मोदी जी का कार्यकाल 8 साल का, सेनाओं की बहाली 4 साल का, आप खुद 2 साल में रिटायर हो जाते हैं तब तो सेना का 4 साल देते हैं। आप खुद सोच के देखिए ना, जो बच्चे 10 साल से 5 साल से 6 साल से जो सड़कों पर कर रहे हैं, फील्ड में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं सेना के बहाली के लिए, उन्हें आप सिर्फ 4 साल के लिए मौका दे रहे हैं, ये कहाँ से इंसाफ है? आप कहते हैं कि हम विदेशों से मॉडल उठा के लिए, आप बेरोजगारी खत्म काहे नहीं करते हैं, शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं ठीक करते, गरीबी क्यों नहीं विदेशों से खत्म कर रहे, देखकर अत्याचार है ये, बिल्कुल अत्याचार, युवाओं पर अत्याचार है ये। चलिए देखिए, लोग पहुंचे हैं कारगिल चौक पे, साफ कह रहे हैं कि सेना के अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये जो भी हो रहा है वो अत्याचार है। तो क्या कुछ कहना था लोगों का, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।